हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल एक वीडियो यहाँ पर बनाई गई थी, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि हाउ कैन दे अप्लाई फॉर द राइट इशू, एशियन ग्रेनाइट राइट इशू। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई है और कल के दिन में ये शेयर काफ़ी गिरता हुआ नजर आया था। ऑलमोस्ट उसी जो डिस्काउंट दिया गया था लगभग 40% का, वो 40% का डिस्काउंट 0% का रह गया था। उस प्राइस तक ये यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था। तो अब इस केस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं। इस बात तो हमने कल ही कर ली थी और कल मैंने आपको आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर चीजें आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 14 ईयर्स के उस सपोर्ट लेके, 14 ईयर्स का मीन्स 2014 का, 2014 का जो सपोर्ट बन रहा था, उस सपोर्ट से यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है और लगभग 4% की आज एक तेजी होती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दी थी। तो इसी तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं कि किस टाइम आपको स्टॉक्स में ट्रेड लेनी है। अगर किसी ने कल कल मैंने कुछ अपने कुछ क्लाइंट्स को यहाँ पर बाइंग कराई थी और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आज शेयर भागा भी, और एज वेल एज इसका जो राइट इशू है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एशियन ग्रेनाइटो राइट इशू। यहाँ पर देखिए तो इसका राइट इशू 40% लगभग लगभग, ये तो पुराना दे रखा है, लगभग 40% अगर किसी का शेयर होगा तो आपको पता होगा 40% भागता हुआ दिखाई दिया था। कोई नहीं, बट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको बेहतरी देखिए बेहतर कंपनी बनाने मिलने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा और सर्च करने के लिए आपको एक मीडियम है BSE। आप BSE पे जाइए, लगभग 8,000 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है और 8,000 कंपनियों में आपको एक बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी मिलती हुई नजर आएगी। कुछ कंपनियों की मैंने बात यहाँ पर करी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर शेयर है, ये शेयर है, इससे पहले एक और शेयर था उससे रिलेटेड, और काफ़ी ऐसे शेयर है जो आपने देखे नहीं होंगे। तो आज दोनों का शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और दोनों शेयर में मैंने आपको यहाँ पर पहले भी वीडियो बनाई है, अगेन वीडियो बना के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी होती हुई नजर आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, आपको इस चैनल को जितना हो सके उतना ग्रो कराने की मदद करनी है। अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और जितनी भी वीडियोस आप देखते हो उसे लाइक एक थम्स अप जरूर दिया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते ही लाते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, और भी ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परसों मैंने आपको स्टॉक्स दिया था नेटवर्क 18 मीडिया, ओके। यहाँ पर मैंने आपको बताया था या तो ब्रेकअप यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा या ब्रेकडाउन, तो आज के दिन ब्रेकडाउन हुआ और लगभग 20% का गेन यहाँ पर मिलते हुए नजर आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप शॉर्ट करके और दोनों साइड यहाँ पर या तो लॉन्ग करके या शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और तो बेहतरीन वीडियोज आपको डेली मिलती रहेगी। तो हम दो स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। पहले दो स्टॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड्स। मिष्ठान फूड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, आज के दिन भी 5% के लगभग गिरता हुआ नजर आया है, ओके। और यहाँ पर ये शेयर और ज्यादा गिर सकता है, ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये शेयर बेकार है, क्योंकि थोड़ा सा भी शेयर गिरने लग जाता है तो लोग उस शेयर को क्या करने लग जाते हैं, उसे बायकॉट करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि ये शेयर बेकार है, वो शेयर बेकार है। बट एग्जैक्टली शेयर बेकार नहीं होता, ओके, टाइम की बात होती है, क्योंकि एक जब शेयर एक बेहतरीन भाग चुका होता है, यहाँ पर देखिए ये शेयर 15 रुपए से कितना से 38 रुपए तक भाग चुका है, लगभग ये शेयर 150% के रिटर्न दे चुका है, तो उसके बाद चीजें नीचे आएगी, फिर यहाँ पर अच्छा खासा भाग लिया है और फिर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये नीचे आना इसके लिए एक बेहतरीन है, अगर जितना नीचे आएगा तो ये चीजें और यहाँ पर कम दाम पे मिलती हुई नजर आएगी, और कम दाम पे मिलती हुई नजर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जब गेन होगा तो एक बेहतरीन गेन होता हुआ नजर आएगा। और गेन क्यों होगा, इसके फंडामेंटल्स, कंपनी किस में काम करती है, कंपनी करती है बासमती राइस में काम करती हुई नजर आती है। मिष्ठान फूड्स एग्रो प्रोडक्ट्स कंपनी है, इन इंडिया इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ राइस व्हीट एंड अदर फूड ग्रेन्स एंड विदेश से प्रिलिमिनरी फोकस ऑन ब्रांडेड बासमती राइस। आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाएंगे, मैंने इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाई है, बहुत पहले ही बनाई थी, अगेन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक बेहतरीन कंपनी है, ओके। यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे इनके ब्रांड्स मिल जाते हैं, रेसिपी यहाँ पर देखते हुए दिखाई देते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, व्हीट दाल और बासमती राइस में इस कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और उनके जो बासमती राइस है यहाँ पर देखिए जैस्पर के नाम से, आई लव जैस्पर, ओके, स्नो स्नो
सॉरी स्नोफ्लेक्स के नाम से इनके यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं, और काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके हैं। यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे भी इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मंगा सकते हैं, आपको ये साइट्स पे यहाँ पर दिखते हुए नजर आएंगे। तो काफी बेहतरीन कंपनी है। और बासमती राइस जो एक ब्रांडेड राइस मिलता है, महंगे राइस और अच्छे राइस ये बनाती है कंपनी यहाँ। और यहाँ पर ऐसे राइस फॉरेन की कंट्रीज बहुत खरीद रही है, और याद रखिए राइस का व्यापार बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कंपनियों को डायरेक्ट फायदा होता हुआ नजर आएगा। और फायदा और क्यों होगा, कंपनी देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 1275 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, याद रखिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर भागेगा उस तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आएगा, तो ये अपने ध्यान में रखना है। पी की बात करें, 40 का पी है, इंडस्ट्री का 42 है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये शेयर कहाँ है सस्ता है। इसके अलावा आरओसी आरओई बहुत कम कंपनियों में मिलता है कि स्मॉल कैप कंपनी में इतना बेहतरीन आरओसी आरओई मिल जाए जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। 40% के आसपास का डेट भी है, 39 का हाई लगाया है, 2500 रुपये पे शेयर चल रहा है। ओके, 2 रुपये की यहाँ पर बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू 1 रुपये की नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, शेयर यहाँ पर अभी आता हुआ दिखाई दिया था 16 में, उसके बाद एक अच्छी खासी जम थी, एक गिरावट थी साइडवेज जोन, फिर दोबारा। तो यहाँ पर देखिए 2019 में ये शेयर ऊपर था, मतलब अभी भी, और जिस तरीके से अब रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो वो चीज बताती है कि ये शेयर और ज्यादा भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2019 की अगर मैं बात करूं तो 482 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि अभी की सेल्स की बात करें तो लगभग 500 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स में भी जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो जंप है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करें 12 करोड़ से 31 करोड़, जो हर पैरामीटर पे ज्यादा दिखाई देती है चीजें, सब चीज अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इस शेयर को भी अच्छा जाना है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आए थे, 153 करोड़ रुपीज की हाईएस्ट एवर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ज्यादा है, और 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर मार्जिन के हिसाब से क्यों होता है, जहाँ पर जिस कंपनी के मार्जिन खराब हो जाते हैं वो शेयर गिरता हुआ नजर आ जाता है। और ये शेयर कंपनी देखिए पर ऑपरेटर जबरदस्ती गिरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नीचे पे मिलेगा शेयर, आप लोग मैं हाँ छोटे लोग यहाँ पर बेच के निकल जाएंगे, और फिर यहाँ पर भागा ये खरीद के भगा के ले जाएंगे, तो इसलिए एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिए। जितना गिर रहा है थोड़ा 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 शेयर यहाँ पर खरीद लिया, और जब ये भागेगा तो एवरेज प्राइस जब आपका निकलेगा तो एक बेहतरीन रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। 15% का यहाँ पर मार्जिन आया है, कंपनी हर तरीके से बेहतरीन है, प्रमोटर्स का 49.28%, 50% के आसपास पब्लिक है, और पब्लिक में भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल है। देखिए तो कुछ परसेंट के शेयर ही आपके पास पब्लिक के पास नजर आते हैं, सारे शेयर बेहतरीन लोगों के पास है। अब बात कर लेते हैं इस शेयर कंपनी की, तो कंपनी यहाँ पर अगर हम देखें एक बेहतरीन सपोर्ट पर खड़ी हुई है सबसे पहले। ओके, एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर कंपनी क्या है खड़ी हुई है, और इसे यहाँ से अगर एक जंप लगानी है। ओके, मैं सब चीज से रिलेटेड बातें करूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दो शेयर से रिलेटेड बातें करनी है। तो यहाँ पर इस शेयर को भागने के लिए सबसे पहले ये पर्टिकुलर लेवल है जो, ओके, इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस करना है। 30 को अगर क्रॉस किया तो ये 39 पे जाएगा, और यहाँ पर ये इसका हाईएस्ट लेवल मैंने आपको बताया था 69 है, तो यहाँ पर इस शेयर को 69 रुपीज के लिए रखिए, क्योंकि जब भागना शुरू करेगा तो इसी तरीके से भागेगा, अपर सर्किट में हाथ में नहीं आएगा ये शेयर। नीचे रिस्क की बात करूं तो ये शेयर और गिर सकता है, और कितना गिर सकता है, लगभग 25 रुपए 50 पैसे पे चल रहा है, 23 रुपए, मतलब 2 रुपए यहाँ पर गिर सकता है, और 2 रुपए का रिस्क, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, 39 रुपए तक, मतलब यहाँ पर 15-16 रुपए का, यहाँ पर 14 रुपए तक ये शेयर ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और 14 रुपए भी नहीं, 69 तक जाएगा ये, लिख के ले लीजिए अभी ये शेयर। ओके, और एक बेहतरीन कप विद हैंडल पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आता है, और फीवो टेक्निक की भी अगर हम बात करें तो फीवो टेक्निक के हिसाब से ये क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। फीवो टेक्निक में देखिए ये एक रेशो होता है, उसके नीचे यहाँ पर आ चुका है शेयर, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद ओके, बट एक यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट भी नजर आता है, तो इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ देता है, ओके, ये जो आज का सपोर्ट है इसे तोड़ देता है, तो शेयर यहाँ तक आएगा ही आएगा, तो इसे और एकुमुलेट कर लीजिएगा और थोड़ा टाइम दीजिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ये लगता है कि लगभग सबसे पहले 30 या 39 रुपए के ये आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा रिस्क है और रिटर्न काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर मिष्ठान फूड्स की तरफ आपको क्या देना है, ध्यान देना है। इसके अलावा एक और राइस की कंपनी है जिसका नाम है GRM ओवरसीज। ये देखिए ये ये कौन सी किस कहाँ पर है, BSE में। GRM ओवरसीज कहाँ है, BSE, तो ये BSE पे ही लिस्टेड मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मार्केट कैप 3257 करोड़ का, P 43,
आरओसी आरओई बेहतरीन 19 और 30, और ये इंडस्ट्री का पी मैंने आपको दिखाई दिया था, लगभग 43 के आसपास ये शेयर चल रहा है, 935 रुपए का हाई लगा के अगेन 543 रुपीज में यहाँ पर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, और बेहतरीन मल्टीबैगर साबित हुआ है शेयर। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो देखिए, कभी 60 पैसे का शेयर हुआ करता था और 1000 रुपए को टच करके यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर देखिए 2005 में आया था, मतलब करोड़पति बना दिया लोगों को, और 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं दिखाऊं तो 1 साल में ये शेयर देखिए 132 से कहाँ गया है, और यहाँ पर स्प्लिट भी आया है, बोनस भी आया है काफी बार, तो इस चीज को भी यहाँ पर देखिए, 3 साल पहले भी ये शेयर 11-12 रुपए पर चलता था, 3 साल पहले भी किसी ने लिया होगा, तो यहाँ पर ये करोड़पति देखिए। एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस अगेन 38 कंट्री में, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड कंपनी इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस मामले में। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, तो देखिए जब भागता है स्मॉल कैप कंपनी तो स्मॉल कैप कंपनी उसी तरीके से रिटर्न्स भी देती है, उसी तरीके से यहाँ पर गिरती नजर आती है, एक बेहतरीन यहाँ पर भागा ये शेयर, उसके बाद गिरा, गिरने के बाद एक बिल्कुल साइडवेज जोन में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, और अभी यहाँ अगर हम देखें तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट जब एक छोटी सी कंपनी मिष्ठान फूड्स के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो इसके भी रिजल्ट अच्छे आने ही हैं, और इसके रिजल्ट जैसे ही अच्छे आएंगे तो याद रखिए धमाका होता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर बेहतरीन रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा। तो ये यहाँ पर देखिए शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, FIs ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर शेयर खरीदे हैं, पब्लिक की बात करें 27.88 दिखा रहा है, बट 27.88 में भी कुछ लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी रख रखी है। अब बात करते हैं GRM ओवरसीज की, तो GRM ओवरसीज कल देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये चल रहा था, ओके यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुका था, स्टिल मैंने यहाँ पर हिम्मत दिखाई और मैंने यहाँ पर लोअर सर्किट में ही ये शेयर को आज मैंने कल के डेट में यहाँ पर दोबारा खरीदा, पहले ही मैंने ले रखा था, ओके मेरा 650 के आसपास का प्राइस था, इसके बाद चीजें गिरी, अगेन मैंने एवरेज करने के लिए यहाँ पर लिया, क्योंकि एक सपोर्ट, तो सपोर्ट एक चीज होती है कि वहां से गिरना बहुत कम चांसेस होते हैं कि गिरेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है, कंसोलिडेशन मोड में, तो वहां से गिरना नहीं, वहां से चीजें ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो देखिए आज के दिन में कल के दिन में ही पहली बार तो ऊपर चला गया था, 541 पे यहाँ पर हाई लगा लिया था, लो देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लो देखिए मैं दिखा देता हूँ 489 का, जो कि इसका लोअर सर्किट था, फिर आज के दिन भी भागा और आज के दिन फिर दोबारा उसी रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आया है, एक बढ़िया स्पिनिंग यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आई है, और इस कैंडल का मतलब होता है कि अगर कल को यहाँ पर से ऊपर जाता है सीधे यहाँ तक जाएगा ये शेयर, तो अभी भी अगर आप खरीदते हैं तो रिस्क केवल इतना ही है, ऊपर की स्टॉप लॉस इसे इधर लगा सकते हैं, और यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें 645 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पर नजर आता है, जो कि अभी नहीं आने वाला, वो आएगा एक बार रिजल्ट आ जाएंगे और 1 से 2 महीने फिर लगेंगे, जब एक बार रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करके जब चीजें निकलेगी तो अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि एक बेहतरीन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है, लगभग दिसंबर से कंसोलिडेशन हो रहा है, बट स्टिल बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, ओके इस लेवल को निकालना इसे बहुत जरूरी है, फिर इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि यही इसके रेजिस्टेंस बने हुए हैं, सपोर्ट की बात करें सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है, तो वीडियो जितना अच्छा अगर अच्छा लगे तो याद रखिए आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरीज है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड अगर क्वेरीज है आपको मिलेगी, और टेक्निकल की बहुत जल्दी यहाँ पर क्लासेज होने वाली है, एक चैनल बनाएंगे हम और उसमें टेक्निकल से रिलेटेड यहाँ पर चीजें डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।